फिथ क्वेश्चन नंबर 35 फाइव इट्स इज टाइम फॉर ट्वेंटी ऑसोलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड एस टी वन टी टू एंड टी थ्री वॉट इज द प्रिस इन द मेजरमेंट्स वॉट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है प्रसिशन निकालना है या एक्यूरेसी निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले हमें T1, T2, T3 दिया हुआ है और प्रसिशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट की बात होती है और लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना है आपका अगर हम सारी यूनिट्स में देखें तो जीरो पॉइंट वन का है कि एक डेसिमल प्लेस पे है तो जीरो पॉइंट वन सेकेंड तो प्रसेशन आपका या लीस्ट काउंट आपका जीरो पॉइंट वन सेकेंड हो जाएगा अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है मीन वैल्यू निकालनी है ऑफ दी थ्री वैल्यू तो अब आप क्या करोगे इसको सम करके डिवाइड कर दोगे थ्री से सो थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स प्लस थर्टी नाइन पॉइंट नाइन प्लस थर्टी नाइन पॉइंट फाइव और डिवाइड किससे करेंगे हम थ्री से तो अगर टोटल देखा जाए तो इसका वन वन नाइन आ जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री सो इट विल गिव यू थर्टी नाइन पॉइंट सेवन सेकेंड्स मेन वैल्यू आ गई हमारी अब हम एप्सल्यूट एरर निकालना चाहते हैं इसका तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं इट इज़ गिवन बाय डेल टी वन इज़ इक्वल टू टी बार माइनस टी वन तो टी बार क्या है आपका एक तरीके से मीन मीन वैल्यू इट इज़ थर्टी नाइन पॉइंट सेवन माइनस थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस में भी आती है तब भी आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा तो डेल टी टू डेल टी टू कितना हो जाएगा आपका इट विल बी मीन माइनस टी टू तो अगर आप देखो तो हमारी सेकेंड वैल्यू थी थर्टी नाइन पॉइंट नाइन उसमें से थर्टी नाइन पॉइंट सेवन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू माइनस में है लेकिन माइनस में नहीं हमें लिखना क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बोली जा रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अब आपको इसी तरह थर्ड वैल्यू निकालनी है थर्ड एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो थर्ड एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा आपका टी बार माइनस टी थ्री तो टी बार कितना है थर्टी नाइन पॉइंट फाइव माइनस टी थ्री तो अगेन यू कैन सी वी हैव ज़ीरो पॉइंट टू एज आंसर पॉजिटिव ज़ीरो पॉइंट टू तो ये हमारा एप्सोल्यूट एरर हो गया एप्सोल्यूट एरर का भी हम मेन लेंगे अब इन तीनों वैल्यू का मेन लेना है हमें ज़ीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट टू प्लस ज़ीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय थ्री तो ये आपकी वैल्यू हो गई ज़ीरो पॉइंट वन सेवन मतलब कि एप्सोल्यूट एरर कितने का बन सकता है मैक्सिमम ज़ीरो पॉइंट वन सेवन का और अगर आप एक्यूरेट वैल्यू जानना चाहो इसकी तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स तो अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए इसको सेवेंटीन को तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स टू वन डेसिमल प्लेस सो येस दिस इज द आंसर फॉर थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन